यूक्रेन युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कई मोर्चों पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की की सेना के आगे कमजोर दिख रही है, जिसको लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार दिखाई पड़ने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की मौत होगी। केमिकल अटैक की आशंका यहां पर अमेरिका की तरफ से जताई गई है। जिस तरीके से दोनों देशों की सेना आमने सामने है, अब पुतिन की सेना जब कई इलाकों से खदेड़ी जा चुकी है, तो फिर केमिकल अटैक की आशंका बढ़ती हुई। दुनिया में अपने हथियारों का दम दिखाने वाला रूस महायुद्ध में यूक्रेन की युद्ध नीति के आगे कई मोर्चों पर फेल दिखा। रूस के घातक हथियारों का ज़ेलेंस्की के जाबाजों ने डटकर सामना किया। फिर चाहे वो मिसाइलों का जोश हो या ड्रोन का खौफ, यूक्रेन ने हर हथियार का तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना बौखलाई हुई है, तो ऐसे में अमेरिका को एक डर सता रहा है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार नजर आने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की की हार जीत में बदल रही है। रूस हैरान है कि जंग के मैदान में उसके जाबाजों की गोलियों का ज़ेलेंस्की पर असर नहीं हो रहा है। इलाका दर इलाका उसके हाथ से निकलता जा रहा है। रूस की सेना चारों खाने चित दिखाई दे रही है। ऐसे में महायुद्ध में शिकस्त का डर रूस को कोई भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और केमिकल अटैक भी। केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। केमिकल हथियारों से अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। नाम की तरह ही केमिकल हथियारों की तबाही की तस्वीर है। अमेरिका का केमिकल हथियारों का डर आज का नहीं है। इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया में खबरों में दावा किया जा रहा था कि रूस केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस ने इसका खंडन करते हुए बयान जारी किया था और कहा था कि वो कभी भी केमिकल वेपन नहीं चलाएगा। अमेरिका के दावे के बाद अब सवाल उठता है कि पुतिन के सैनिक या हथियारों की ताकत नाकाम साबित हो रही है। क्या पुतिन की मंशा अब केमिकल वेपन से अटैक की है? क्या पुतिन वर्चस्व कायम करने के लिए बेगुनाहों का कब्रिस्तान बना देंगे? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दहशत है, जिसके पैदा होने पर दुनिया के बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं। पुतिन ने कीव में जो मिसाइलों की मूसलाधार बारिश की है, उसका मकसद भी यही था और यही वजह है कि आज नेटो देशों को रूस के घातक कदमों से डर लग रहा है।